अपने प्रदेश में अमरूद विभाग हर क्षेत्र के किसान भाइयों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, तथा जिन किसान भाइयों के पास फलन अवस्था पर होंगे बरसाती फल लगे होंगे, तथा बरसाती फल के बाद जाड़े की भी फसल लेने हेतु आवश्यक है कि बाग में किए जाने वाले प्रबंधनों पर ध्यान दिया जाए, जिससे कि दोनों मौसमों में आपको अपने अमरूद के बाग से गुणवत्ता एवं अधिक से अधिक फल की प्राप्ति हो। परंतु देखा जाता है कि अधिकतर बागवान भाइयों द्वारा अमरूद के बाग में किए जाने वाले कार्यों में या तो लापरवाही करते हैं, या तो जानकारी के अभाव में सिंचाई उर्वरक बाग की साफ सफाई तथा पौध सुरक्षा कार्यों के उपायों को नहीं अपनाते हैं। परिणाम स्वरूप उनके बाग में प्रति पौध कम फलन के साथ साथ छोटे आकार के कीटग्रस्त रोगग्रस्त फल देखने को मिलते हैं। अतः यदि आपके अमरूद के बाग फलन अवस्था पर हैं, तो बरसात एवं जाड़े की फसल से अच्छे उत्पादन लेने हेतु इस समय से लेकर फल तुड़ाई तक अमरूद के बाग में किन किन कार्यों को अमल में लाएंगे, इस विषय पर जानकारी के लिए हमने आज आमंत्रित किया है ग्राम बेबियाम चौलापुर जिला वाराणसी के प्रगतिशील अमरूद उत्पादक शैलेंद्र सिंह रघुवंशी को। तो सुनिए और लाभ उठाइए। मैं अपने 4 हेक्टेयर जमीन में 16 बीघे में अमरूद का बाग लगाया हूँ सघन बागवानी से, जो कि 6x3 मीटर है। लाइन से लाइन की दूरी 6 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 3 मीटर। ये हमारे सारे पौधे इस समय 5 साल के हो गए हैं और मैं इसमें वर्ष में 3 बार क्रॉप लेता हूँ, एक तो बरसात का, एक जाड़े का और एक गर्मी का। तो बरसात का फल लेने के लिए सर्वप्रथम हम जनवरी में प्रूनिंग करते हैं। इसको प्रूनिंग करने पर फूल आना शुरू हो जाता है हमारा मार्च से, और मई में ये फल बन जाता है। जो जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने का ये फल जो है हमको मिलता है। जनवरी में जब हम पौधे को प्रूनिंग करते हैं है, उसके बाद हमें उसका देख रेख और रख रखाव अच्छे से करना होता है, और प्रूनिंग करने के बाद हमारे पौधे की साइज छोटी हो जाती है, जिससे आराम से इसके अंदर जो है जुताई कुड़ाई भी होता है और रख रखाव भी कमी होती है। कुड़ाई के लिए मैं पावर टिलर का यूज करता हूँ। पावर टिलर से पौधे के पास पास ही कुड़ाई हो जाती है, थाला भी बन जाता है। थाला बनने से एक फायदा भी होता है, जो इसको हम पानी देते हैं ये बाहर नहीं निकलता है, और इसी थाले के अंदर जो है इसको हम खाद या कोई भी चीज दे देते हैं। उसको खाद भी उसी समय हम देते हैं कि जो भाग कटा हुआ है वहाँ से कल्ले तेजी से निकले। तो उस समय हम 1 किलो पोटास, 500 ग्राम DAP और 200 ग्राम यूरिया मिला करके उस समय हम देते हैं इसको। इसमें पौधे से 1 मीटर की दूरी पर हम खाद दे करके उसकी अच्छी से कोड़ाई करके मिट्टी में मिला देते हैं खाद को, और फिर थाला बना करके ड्रिप द्वारा सिंचाई करते हैं, और उसके बाद हर 15 दिन के अंतराल पे इसकी सिंचाई करते रहते हैं, जिससे कि कल्ले तेजी से आना शुरू हो जाता है 1 महीने के बाद कटिंग के, और फल भी हमें मिलता है। और जून लास्ट से तो बरसात हो जाती है, इसलिए फिर पानी की आवश्यकता इसको नहीं पड़ती है, और ये बारिश का फल हमें अच्छा मिलता है। और इसमें थोड़ी रोग की मात्रा अधिक रहती है, इस समय रोग का प्रकोप अधिक होता है, इसलिए हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। प्रूनिंग के बाद हम एक बार प्रूनिंग करने के बाद कॉपर आर्सीक्लोराइड या वावरसीन का छिड़काव करते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर, किसी और साइज भी अच्छी होती है। अब दूसरा फल हम लेते हैं जाड़े का, जो कि नवंबर और दिसंबर करीब 15 जनवरी तक में मिलता है। उसके उसका फल अच्छा लेने के लिए मई में जब बरसात वाले फल का करीब नींबू साइज का फल हो जाता है, तो उसके ऊपर से एक बार फिर प्रूनिंग कर देते हैं, उससे हमारा जाड़े वाला फल अच्छा मिलता है। उस जाड़े वाले फल के लिए जब प्रूनिंग करते हैं तब भी वही एक बार कॉपर आर्सीक्लोराइड का छिड़काव करते हैं, और इसमें सिंचाई गर्मी में हम करते रहते हैं, हर बार करीब 15 दिन के अंतराल पर गर्मी में सिंचाई करते हैं, और जून लास्ट में तो बरसात हो जाती है, इसलिए फिर पानी की आवश्यकता इसको नहीं पड़ती है। ये जुलाई लास्ट से इसमें फूल आने लगते हैं, और इसका फल जो है हमें नवंबर दिसंबर और करीब 15 जनवरी तक मिलता है। जाड़े में क्योंकि इसकी देख रेख कम करनी पड़ती है, इसमें रोग नहीं लगता है और साइज भी अच्छी होती है। तो जाड़े में हमारे बाग में 300 ग्राम से लेकर के 800 ग्राम तक वैरायटी वाइज अमरूद होता है, और जाड़े का मार्केट भी अच्छी रहती है, फल भी टिकाऊ होता है, इसलिए किसान भाइयों को जाड़े की ही फसल अच्छी लेनी चाहिए। अतः वर्षाकालीन फसल पर चर लागत के रूप में 13 हजार
6,680 रुपए खर्च होते हैं। अब अगर इनके द्वारा प्राप्त आय 1,28,225 रुपए में से यह लागत निकाल दी जाए तो इन्हें शुद्ध लाभ 1,14,545 रुपए होता है। किसान भाइयों, अगर इस शुद्ध लाभ में 1 एकड़ भूमि के किराया और 7,77 रुपए 5,000 तथा दक्ष व्यक्ति हेतु इनके स्वयं के प्रबंधकीय व्यय चल लागत का 10% अर्थात 1,368 रुपए और निकाल दिया जाए तब प्रति वर्षात की फलत पर 1,08,170 रुपए का वास्तविक लाभ प्राप्त हुआ। ये तो हुई इनकी बरसाती फसल की बात। इसके बाद जब हमने इन किसान भाई से पूछा तो इन्होंने बताया कि ये जाड़ा गर्मी और बरसात की फलत लेते हैं। गर्मी की फलत जिसकी तुराई अप्रैल में होती है 15 से 20 किलोग्राम प्रति वृक्ष का उत्पादन लेते हैं। इस प्रकार एक वृक्ष का एक वर्ष का औसत कुल उत्पादन 130 किलोग्राम प्रति वृक्ष होता है। इतना ही नहीं किसान भाइयों, अमरूद की खेती में इनके लगन और मेहनत ने आय का एक और द्वार इनके लिए खोल दिया। ये किसान अमरूद के ग्राफ्टेड पौधे तैयार कर उनकी बिक्री अन्य किसानों को करते हैं जो कि अतिरिक्त आय का जरिया है। कार्यक्रम के आज के अंश में बस इतना ही। शेष जानकारी हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम के कल के अंश में। निराई गुड़ाई इस समय करके सफाई थाली में सफाई रखते हैं, इससे कोई चीज बाहर से उस पर जो है चढ़े ना, और उस पर जो है हम लोगों को खास या अनुमान करके छिड़काव हम लोग करते हैं 2 ml/L मिला करके उसका छिड़काव कर देंगे। अक्सर देखा जाता है तो जमीन में से चींटी या चींटा निकल करके पौधों को चढ़ जाते हैं ऊपर, और जो नए टल्ले निकलते हैं, नई पत्तियां निकलती हैं, उनको खा जाते हैं। ये हमें चाहिए कि पौधे के तने में या और चूना मिला करके लेप लगा दें जिससे कि वो कीड़ा ऊपर न चले। ये अगर ये न मिले तो हम पालकिन भी चारों तरफ सफेद पालकिन बांध सकते हैं अपने तने पे करीब 1 फीट ऊंचाई तक। बांध देने से कोई भी कीड़ा बाहर से पौधे के ऊपर नहीं चढ़ेगा और न तो अंदर जाएगा। और किसान भाई, इस समय फूल भी तेजी से बाग में आ रहा है जाड़े के फल के लिए। ऐसा काम भाई हमें हमको रासायनिक खाद थाले में दे करके उसमें मिट्टी में मिला देना है। खाद के लिए अगर हमारा 1 साल का पौधा है तो 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम डाई और 50 ग्राम पोटाश देते हैं। हर साल उसको बढ़ाते जाते हैं तो उसके हिसाब से, फल के हिसाब से, पौधे के हिसाब से उसको खाद देना है। इस समय जितनी मात्रा में डाई यूरिया देंगे उसका 1.5 गुना पोटाश देंगे, क्योंकि हमको जाड़े में बढ़िया फल लेना है। पोटाश देने से हमारा फल जो है थोड़ा चमकदार और साफ होगा। जब फल लग जाए थोड़ा छोटे फल तो उस समय हम पोटेशियम सल्फेट का 2% छिड़काव भी कर सकते हैं। किसान भाइयों को बरसात में एक समस्या जो आती है जल बगीचे में रुके ना, पौधे के पास पानी जो है रुके ना, तो ऐसा कम से कम बना दें या तो पौधे के पास मिट्टी थोड़ा सा करके ऊंचा कर दें जैसे कि पानी उसके पास न लगे, और पानी लगता है तो उसको निकालने का प्रयास करें कि पानी अधिक से अधिक दिन वहां न रुके। रुकने से उसमें उठा लग सकता है, अधिक दिन अगर पानी रुकेगा तो पौधे की जड़ों को थोड़ा नुकसान पहुंचाता है और उसमें उठा लग सकता है, इसलिए पानी वहां नहीं रुकना देना चाहिए। इन सब बातों को अगर किसान भाई ध्यान रखें तो जाड़े की फसल में अच्छा मुनाफा और अच्छा फल दे सकते हैं।
जानेंगे कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान मेहमान खेड़ा लखनऊ द्वारा विकसित किए दर्शन बागवानी कटाई छटाई एवं सफाई के द्वारा कैनापी का आकार छोटा एवं सुव्यवस्थित बनाया जाता है, जो कि पूरे वर्ष के दौरान एक पौधी समझी रणनीति के आधार पर होता है। अतः आज के अंश में हम जानेंगे कि सघन बागवानी तकनीक में कौन कौन सी वैज्ञानिक अनुशंसाएं हैं जिनका पालन शैलेंद्र रघुवंशी अपने अमरूद के बागानों में करते हैं। तो देखिए यह प्रस्तुति। इस समय बरसात का सीजन है, ये फल लेने के लिए, बढ़िया फल लेने के लिए बरसात का हम जनवरी और फरवरी में इसको प्रूनिंग करते हैं। इसको कैनोपी मैनेजमेंट कहा जाता है। वो उस समय थोड़ा हैवी कर देने से पौधा भी हमारा सीमित रहता है, काफी बढ़ता नहीं है और हमें बरसात का फल अच्छा मिलता है। तो उसके लिए जनवरी फरवरी में प्रूनिंग के बाद एक बार COC 2 ग्राम प्रति लीटर और कोई भी कीटनाशक या नीम का तेल 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर, इसको जो है मिला करके हम अपने पौधे पे छिड़काव करते हैं, जिससे कोई भी एंटी फंगस उस पर असर न करे। और पौधा तेजी से उसके देने के बाद, छिड़काव के बाद हम एक हफ्ता के अंदर 500 ग्राम DAP 500 ग्राम पोटाश उसको पौधे से करीब 1 मीटर दूरी पर दे करके कुदाल से बढ़िया मिला देते हैं, जिससे कि हमारा पौधा तेजी से उसमें कल्ले आने लगते हैं। और जब तेजी से कल्ला आता है तो वही कल्ला और फूल एक साथ निकलता है, जो कि हमें बरसात का फल देता है। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो ग्रीष्म काल में सप्ताह अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता, फल में अधिक कीड़े लगते हैं, तो इसलिए किसान भाइयों को अधिक से अधिक देखरेख करने की आवश्यकता है। पहली आवश्यकता तो पौधे के नीचे और अपने बाग में साफ सफाई रखनी है, जिससे कि कीड़े का कम हो निकास। तो इसके लिए किसान भाइयों को उसके जो आसपास खरपतवार उसकी सफाई कर देनी चाहिए और उसी खरपतवार से पौधे के पास जो है मल्चिंग कर देना चाहिए कि नमी बनी रहे और खाद फूस भी कम होगा मल्चिंग से। और जो सबसे बड़ी परेशानी इस समय आती है वो आती है फल मक्खी से। बरसात में बरसात का फल पकने से पहले मई में ही उसमें ट्रैक लगा देते हैं, 15 से 20 पौधों के बीच में किसान भाइयों को एक छोटा ट्रक लगा देना चाहिए, इससे कि फल मक्खी से हमारा बचाव हो जाता है। 10 दिन के 15 दिन के अंतराल पे नीम आयल का छिड़काव करना चाहिए किसान भाइयों को। नीम आयल का छिड़काव करने से हमारा फल भी साफ और सुंदर होता है और कोई भी कीड़े का प्रयोग नहीं होता है। जो सबसे बड़ा रोग है अमरूद में वो एक कैंकर रोग होता है, तो पकना शुरू होता है इसका, तो इस पर काले काले चिट्ठी नुमा दाग बन जाते हैं, उसको भी कैंकर कहते हैं। तो उससे बचा कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करना पड़ेगा। तोड़ते समय भी विशेष सावधानी बरतनी है। तो तोड़ने के पहले क्या करते हैं, प्लास्टिक की छोटी छोटी बाल्टी ले लेते हैं जिसमें 10 से 12 किलो अमरूद रहता है, वो तोड़ करके पत्ते सह तोड़ने के लिए उसको कैंची रखते हैं, कैंची से काट करके तो धीरे से उस बाल्टी में रखते हैं। उसके बाद ला करके प्लास्टिक प्लेट में हम जो है ग्रेडिंग करके अपने पैक हाउस में उसकी ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग के बाद उसको पैकिंग करते हैं क्रेट में, क्योंकि ये रोज बेचने वाला फल है तो ये दिन में टूटता है, दिन भर इसकी छटाई ग्रेडिंग और पैकिंग होती है शाम के समय और एकदम सुबह ये अपने गाड़ी से मार्केट चला जाता है। मैं अपने फल को तोड़ करके बनारस के कई मंडियां हैं, बनारस में जो पारिया मंडी है या कई मंडियां लोकल लगती हैं वहां भिजवाता हूँ। बारिश का फल लेने के लिए अगर रख रखाव सही है, सही तरह से दवा का छिड़काव हुआ है, फल मक्खी के लिए सेफ लगा है, तो एक पौधे से किसान भाई 400 से 500 रुपए तक की बचत कर सकते हैं बारिश के मौसम में। अभी आपने अमरूद की सघन बागवानी अपनाए इन किसान भाई को देखा, परंतु हमारे जो दर्शक इस तकनीक के बारे में अभी तक नहीं जान पाए हैं, उनके फायदे के लिए इसकी संक्षिप्त रूपरेखा और मुख्य बिंदु इस प्रकार है। इस तकनीक का विकास जो जिसकी परिपूर्णता केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा किया गया, जो कि इस संस्थान के वर्षों के अनुसंधानों और उनसे प्राप्त उत्साहवर्धक परिणामों पर आधारित था और बाद में उपयुक्त तकनीक को मंडल एवं बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। सघन बागवानी के अंतर्गत सघन पौध संख्या को अपनाना, जैसे 222 पौधे 6x3 मीटर पर, 444 पौधे 3x3 मीटर पर या 888 पौधे 3x1.5 मीटर पर प्रति एकड़ और 2000 पौधे प्रति एकड़ अति सघन बागवानी है, जिसे 2x1 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है और इसे मीडो ऑर्चर्ड के नाम से भी जाना जाता है। पौधों की प्रारंभिक अवस्था से क्रमबद्ध एवं नियमित कार्यक्रम संस्थान के पूर्व निर्धारित वृद्धि नियंत्रक सारणी के अनुसार, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ शामिल है अति सघन बागवानी में पौधों की आरंभिक अवस्था में मुख्य तौर को जमीन की सतह से
60 से 70 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कटाई या मीडो ऑर्चर्ड में जमीन की सतह से 30 से 40 सेंटीमीटर पर कटाई या कार्य सघन बागवानी में रोपण के 2 से 3 माह बाद तथा मीडो बाग में 1 से 2 माह बाद किया जाता है, जिससे काटी गई जगह के नीचे से 3 से 4 अच्छी दूरी पर शाखाओं का आगमन होता है। 4 से 5 माह की वृद्धि अवस्था के बाद जब ये शाखाएं पर्याप्त वृद्धि धारण करती हैं, तब प्रथम क्रम की 3 शाखाओं को 50% लंबाई में दोबारा काटते हैं। इस प्रक्रिया को आगामी शाखा वृद्धि सतह के साथ चौथे क्रम तक दोहराते हैं, जब तक कि पौधा अपनी वांछित ऊंचाई मीडो ऑर्चर्ड 1.5 मीटर